हरमन चाय ठंडी हो रही है, उठ जा। उठ। तेरे बारे में समझ में नहीं आती, मैं नहीं उठ रहा हूं इसका मतलब मुझे नहीं उठना है। किसने कहा था तुझसे चाय लेके आने को? आज के बाद मेरे कमरे में चाय लेके आने की जरूरत नहीं है, चल निकल यहां से, निकल। मेरी शक्ल क्या देख रही है, बहरी हो गई है, चल जा यहां से, भाग। आपने बुलाया गुरुमा, क्या हुआ? हाँ मल्लिका, दुर्जन सिंह के घर पर होता हुआ है, आज ही कुछ लोगों को वहां भेज देना। जी गुरुमा। जानवर नहीं हूं मैं, इस तरह से मुझे कमरे में बंद करके रखा है आप लोगों ने, बस समय समय से खाना दे देते ताकि मैं मर ना जाऊं। ऐसा कीजिए, एक बार में ही मर जाने दीजिए, नहीं चाहिए मुझे ये खाना वाना, ले जाइए इसे। जाओ चमेली, तुम जाकर खाना खाओ। जी गुरु। गुरुमा, मैं उससे जाकर बात करती हूँ। कब तक कैसे चलेगा? मन से ना सही, समझाता ही सही। उसे सबके साथ प्यार से रहना पड़ेगा। करने दे मल्लिका, नाज नखरे अपनों से नहीं करेगी तो फिर किससे करेगी? अगर वो सोचती है कि ऐसा करके वो अपनी बात मनवा लेगी तो फिर वो मुझे नहीं जानती। जुई बेटा, इधर आओ। बोलती और आपके कहने पे तो मैं उसके लिए चाय लेके गई थी ना, सोचा उसका दिल टूटा है उसको प्यार से मैं चाय दे दूं, लेकिन नहीं, वो तो अपनी जुबान में जैसे करेला लेके पैदा हुआ है। ना, मुझे लगता ही नहीं कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। ऐसी बात ना है, तू जानती है सिर्फ जुबान ही कड़वी है उसकी, दिल का तो खरा सोना है ना तेरा भाई। हाँ, तो उस खरे सोने का आप गहना क्यों नहीं बनवा लेते हो? तब देखो तब इंसल्ट करता है मेरी। चुप हो जा। हेलो, अरे कितनी बार कहूं ये उस हरमन सिंह का नंबर नहीं है जैसे तुम ढूंढ रही हो। कौन जीजा, किसका जीजा? तो मैं क्या करूं, पुलिस में कंप्लेंट लिखाओ? मैंने ठेका थोड़ी लिया सबकी बहनों को ढूंढने का। जीजू, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? आप साथ नहीं दोगे तो मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी ना। तो तुम अकेली पड़ जाओगी, इससे मुझे क्या लेना देना? मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ये काम करने का। क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं? हमने डिसाइड किया था ना, उसके बाद ही मैंने आपका नाम और नंबर पैम्पलेट पे छुपाया है। अच्छा, ये सब छोड़िए, आप मुझे बस इतना बताइए, आप दीदी को ढूंढना चाहते हैं ना? तुम्हारी माँ ने तो कहा था ना, रिश्ता खत्म। तो बस रिश्ता खत्म, अब किस बात का जीजा? और दोबारा मुझे कॉल मत करना। जीजू, हेलो हेलो, जीजू ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? अब मैं किसके सहारे दी को ढूंढूंगी? ये बात तो मैं नानी और मम्मी को भी नहीं बता सकती, जो करना है अब अकेले ही करना पड़ेगा।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओए गुड मॉर्निंग नहीं कहते, सत श्री अकाल कहते हैं, जय माता दी कहते हैं। ओ अचानक इतना सारा बदलाव, ऐसा क्यों हो गया? प्रीत, मैंने कितनी बार कहा है कि जब जरूरत ना हो ना तो ढक्कन बंद रखा कर। परिवर्तन संसार का नियम है, चेंज आता है ना लाइफ में, और ये अपना शेर है यार, अपने परिवार के हिसाब से नहीं चलेगा तो और क्या, वो बाजू वालों के हिसाब से चलेगा। पी तो मुझे एक चाय मिलेगी? चाय दे। ये चाय नौश फरमाइए। मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, तो कुछ काम हो तो बता दो। ओ मालक है तू, जा फैक्ट्री में बैठ आराम से सेठों की तरह। ओ नौकर सबकर काम करेंगे, तू जाते सही। ठीक। सुन, नाश्ता लगवा दूँ? अरे नहीं पीतो, अरे भूख नहीं लगी है, और भूख लगेगी भी तो फैक्ट्री पे कुछ खा लूंगा। हरक सिंह चलता हूँ। आजी मालक हो, मालक हो जी। वरुण तू जा हरमन के साथ, ध्यान रखना उसका और नजर। ओ जी मामी जी। कहा ना मुझे खाना नहीं खाना है, चली जाइए आप यहां से। तारानी दीदी, अब खाना नहीं खाओगे तो जियोगे कैसे? मैं भी खाना खाती हूँ क्योंकि मुझे भी जीना है। मैं जूही हूँ। वैसे पहले मेरा नाम हरमित कौर था, गुरु माँ ने मेरा नाम जूही रख दिया। तुम यहाँ कैसे? मुझे ना चॉकलेट बहुत पसंद है, मैं रोज बिजी से चॉकलेट की जिद करती थी। बिजी या तो मुझे खुद लेके जाती ये किसी और के साथ भेज देती चॉकलेट लेने, जिसके साथ भी जाती वो मुझे वापस कर छोड़ देता था। फिर एक दिन बिजी ने मुझे गुरु माँ के साथ भेज दिया। गुरु माँ ने मुझे बहुत सारी चॉकलेट दे रहे लेकिन घर नहीं भेजा, यहाँ ले आई। तब से मैं यही हूँ। याद नहीं आती है? आती तो है लेकिन गुरु माँ मुझे वापस जाने नहीं देती है, बोलती है कि मेरी बेटी मुझे वापस बुलाना नहीं चाहती है। मुझे ना ये अच्छा नहीं लगता, मैं स्कूल भी नहीं जाती हूँ और बाहर खेलने भी नहीं, खुद से घर नहीं जा सकती। लेकिन एक दिन जरूर जाओगी, बच्चे से पूछोगी मुझे यहाँ क्यों भेजा। अगर उन्हें मैं चॉकलेट मांगना पसंद नहीं था बोल देती मैं नहीं मांगती। तुम यहाँ से जाओगी कैसे? बड़ी होगी तब जाओगी। दीदी मुझे भी पता है आपको अपने घर वालों से सवाल पूछने होंगे ना, वो दिन जरूर आएगा लेकिन तब तक जीना तो होगा ना, इसलिए खाना खा लो, रोज खाया करो और दीदी रोया मत करो।
देखा आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, इसकी कमजोर नब्ज पकड़ ली है मैंने। और तेरा दिमाग बड़ा शार्प है, मैं तो कहता हूँ MBA कर ले, एकदम बड़ा बिजनेस टाइकून बन जाएगा तू। बिजनेस MBA की डिग्री से नहीं चलता, बिजनेस दिमाग से चलता है। एकदम करेक्ट बात बोली है। अरे वाह, तू आ गया, भूख लगी होगी, मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। प्रीतो रुक, खाना वाना बनाने की जरूरत नहीं है, आज मैं बहुत हैप्पी वाले मूड में हूँ। चौरक सिंह हो जाए दो दो पैक। नहीं प्रीतो, वो मेरे शेरा ने बड़ी देर के बाद दाड़ मारी है। ओ, दो दो नहीं, चार चार हो जाए, दो छोटे तेरे, चार बड़े मेरे। हाँ प्रीतो, चकना भेज दे। अरे चलो यार, केला छोड़ो। वो तो किसे चल दिया? जी मम्मी जी। सब ठीक रहा? हरमन ने सौम्य के बारे में कोई गलती या उसे ढूंढने की कोशिश? ओ ना मम्मी जी, बिल्कुल नहीं। आज के दिन तो बहुत चंगा रहा है एकदम। उसे भुलाने की कोशिश कर रहा है शायद। चलो डोंट वरी, भुला देगा, आप टेंशन ना लो, एकदम बिंदास रहो। अच्छा हे माता रानी, तेरा लख लख शुक्र है। हरमन ने सौम्य को बुलाने की सोची तो उन सब ठीक हो जाएगा। शायद पल जो मैंने किया वो करना जरूरी था। ए? हाय 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 हाय, आज ना यार मेरे पास शब्द नहीं है, मेरी खुशी बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बस इतने कह सकता हूं कि आज तू मेरा यार बन जा, एक दिन के लिए मेरा दोस्त बन जा, मुझे ना आपके साथ फ्रेंडली होने को दिल करता है। फ्रेंडली है जी, हाय हाय खुश करता ही है भाई। बेटा हो तो ऐसा हो। तुम कमीने इंसान, फैक्ट्री के मजदूरों के लिए भी और अपने बेटे के लिए। कैसे चढ़ गई? मेरा मतलब है कि ये डायलॉग ना कुछ मुझे हजम नहीं हुआ। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, आई योर फादर। बहुत अच्छे से जानता हूं रक्ष सिंह कि तुम मेरे बाप हो। आप कल्ले बैठ के पियो, मैं चला यार। प्रीत, अरे बैठो रक्ष सिंह। वैसे ये बात सही है ना, तुम्हारे कायदे कमाल के। तुम कुछ भी गलत करो तो सही, और हम सही बात करें तो गलत। फिर भी मजा नहीं आएगा, आप भी हो मैं तो चल गया। अरे बैठो सिंह। अच्छा एक बात बताओ, जो भटूरे की तरह छाती फुलाकर घूमते हो और जो हल्ला करते हो कि शराब पीने का स्टेमिना हरक सिंह से ज्यादा किसी में नहीं, तो एक काम करो ना, साबित कर दो अभी। बोलो चैलेंज है मंजूर? हरक सिंह को कोई चैलेंज करे और हरक सिंह से कबूल ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। कबूल है, कबूल है, कबूल है। आजा।
शराब भी। अरे हरक सिंह, हरक सिंह, क्या यार हरक सिंह, तुम तो लुढ़क गए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है यार। उठो यार हरक सिंह, मुझे मुझे और पीनी है। ठीक है मत उठो, सोते आदमी के सामने कोई शराब कैसे पिए। तो मैं चला अपने कमरे में। गुड गुड नाइट। वालों ने सबने खाना खा लिया है, ये मम्मी जी ने आपके लिए ऊपर भिजवाया है, आप खा लीजिए प्लीज। ये कमरा मुझे तुम्हारी याद दिलाता है, तुम्हारी यादों को मैं जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूँ। जिस तरह से तुम मुझसे दूर चल गई हो, तुम्हारी यादों को भी मुझसे दूर जाना होगा। हरमन क्यों आया? दरवाजा खोल। ओ हरमन, ओ वीरे दरवाजा खोल। ए दरवाजा खोल हरमन। मन कुछ नहीं हुआ है मुझे, कुछ नहीं हुआ है। आई एम ओके। सौम्या के पीछे भागना बंद, उसे ढूंढना बंद, सब कुछ बंद, सब कुछ। बस कुछ यादें हैं उसकी जिन्हें मिटा देना चाहता हूं मैं। मिटा देना चाहता हूं मैं। वो एक ही पागल बने धीरे, और जो कुछ बचा था उसे जला दिया गया है। अब कुछ नहीं है यहां उसका। चल पागल बन, चल दरवाजा खोल। नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ। उसका एहसास बचा है इस कमरे में, उसकी खुशबू बची है इस कमरे में, उसकी मध्यम सी आवाज में की गई बातें बची है इस कमरे में। हरक सिंह और प्रीतो नहीं मिटा सकते इसे, इसे सिर्फ मैं मिटा सकता हूं। इस कमरे से उसका हर एहसास मिटा देना चाहता हूं मैं, हर एहसास। नहीं, किसी की जरूरत नहीं है मुझे, किसी की भी जरूरत नहीं है। सौम्या की चिट्ठी